आर्यन खान का जो मैटर अभी चल रहा है। अरे मेयर को क्यों पूछ रहे भाई, मैं खुद ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार हूँ, हम क्या कम है क्या? ये हमारे साथ मुफ्ती साहब हमारे बिगेस्ट स्टार है, फारूक शाह सुपर स्टार है, इम्तियाज जलील मेगा स्टार है, ये हमको कहाँ लेके आ रहे हैं सर? बांग्लादेश में भी क्या वो उससे क्या करने का? देखिए इस तरह से सेंट्रल की टीमें महाराष्ट्र में कारकर्दगी कर रही है जैसा। अरे मेरी एक बात सुनिए, ख्वाजा यूनुस की लाश अब तक नहीं मिली, कौन रोएगा ख्वाजा यूनुस के लिए? जिसके पास दौलत है, जिसके पास पैसा है, उसकी बेल की हियरिंग भी होती है और बेल भी हो जाती। एक सिद्दीक कप्पा ने आपके फ्रेटर्निटी का जर्नलिस्ट है, हाथरस में एक रेप हुआ था दलित बच्ची का, उसको कवर करने गया, अब तक जेल में है, कोई पूछने वाला नहीं है। हद तो यह है कि सिद्दीक के साथ एक टैक्सी ड्राइवर था, उसको क्या मालूम भाई, चलिए सिद्दीक के ऊपर, टैक्सी ड्राइवर है पेट कमाने के लिए लिख गया, वो जेल में है, उसके बारे में कोई पूछता नहीं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में एक आदमी को निकला, इनोसेंट प्रिजनर्स किताब लिखा, पढ़िया क्या क्या नहीं किया गया, उसके नाखूना खींचे गए, उसके ऊपर गंदगी डाली गई, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात नहीं करने वाला इसका। आज महाराष्ट्र के जेलों में दलित और मुसलमान हाईएस्ट आदिवासी अंडर ट्रायल्स हैं, कौन पूछेगा इनको, कौन निकालेगा इन लोगों को? इनका कसूर दो है, एक तो ये दलित है, आदिवासी मुसलमान है, दूसरा गरीब है, पैसा नहीं है इनके पास, पूरा उसी पर ये अरे फिर इनके बारे में कौन बोलेगा भाई? क्या ये हमारा सिस्टम, हमारा सरकार क्या खाली पैसे वालों के लिए हो चलेगा, या फिर जस्टिस फॉर द पोर भी होगा, बेल फॉर द पोर भी होगा, नहीं होगा, इस पे बात ही नहीं हो रही है। और वो लोग जो जेलों में सड़ रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद हो जा रही, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर, इसीलिए मैं इस मसले बात ही नहीं करना चाह रहा हूं, मेरे को मतलब ही नहीं है इन लोगों से, इन दौलतमंदों से क्या करने का है। और साहब समाज के लिए।